बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये किस बात का नारा है, जब स्कूलों में टीचर ही नहीं है, एक ही टीचर है, एक टीचर से क्या क्या होगा? भाजपा सरकार भगाओ, भाजपा सरकार भगाओ। हरियाणा की सरकार जिस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए अपनी पीठ थपथपाती हुई नहीं थकती है, वही पॉलिसी अब किरकिरी की वजह बन चुकी है। प्रदेश भर में कई स्कूल ऐसे हैं जहां इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत टीचरों के तबादले हो चुके हैं, मगर समस्या ये आ गई है कि कई स्कूलों से सारे टीचरों का तबादला हो गया है तो किसी में एक या दो टीचर ही बचे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के बच्चे जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है होटल के करमन गांव से, जहां पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है जो साइंस पढ़ाता है। अब इतने बड़े स्कूल में एक टीचर भला किसे किसे पढ़ाएगा? बस इसी के चलते छात्र छात्राएं स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ चुके हैं। शिक्षा के लिए सरकार वैसे तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये भाजपा सरकार सब शिक्षा को नष्ट करना चाहती है और सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है। हमारे स्कूल में सिर्फ एक टीचर है साइंस का और वो सब क्लासों में पढ़ाते हैं और वो हर क्लास में एक एक पीरियड लेते हैं। हमारा साइंस से कुछ नहीं होगा, हमें सारे टीचर चाहिए यहाँ पर इस स्कूल में। तो बेटा कितनी परेशानी हो रही है बिना टीचरों के? बहुत परेशानी हो रही है, हम एक टाइम पढ़ते सिर्फ और पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं, इसलिए हमें टीचर चाहिए। हमारी सरकार जो ये कह रही है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किस बात का नारा है, जब स्कूलों में टीचर ही नहीं है, एक ही टीचर है, एक टीचर से क्या क्या होगा? एक टीचर बस साइंस पढ़ाते हैं, अब साइंस सब्जेक्ट बस एक ही है तो उसमें मैथ पढ़ा देते हैं कुछ, तो हमारे और सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे? हमें और टीचर भी चाहिए, इसके लिए चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। अब आप ही सोचिए कि 10वीं कक्षा के ये छात्र छात्राएं जब पूरे साल एक ही टीचर के भरोसे रहेंगे तो इनका रिजल्ट कैसे आएगा और कैसे ये अपना भविष्य संवारेंगे? बोर्ड की परीक्षा है, अगर समय रहते टीचर नहीं मिले तो इनका तो करियर भी तबाह हो सकता है। यही वजह है कि इनके साथ गांव के लोग भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने में जुटे हैं। मामला समस्या ऐसी है जी, मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में भाई में, और उन्होंने कही बाबा मेरे यहाँ से टीसी करवा दो, क्यों छठी से लेके 10वीं तक एक भी टीचर नहीं है और एक टीचर है वो गेस्ट टीचर है। हम भाई साहब के पास गए, हमारी रिक्वेस्ट सुनी, आज जब जाके ये पूरे बच्चों की इनने मदद की। तो आप अध्यापक नहीं है स्कूल में, तो आपका कदम क्या होगा अगर अध्यापक नहीं आते ग्रामीणों का? तो ये है कि हम आगे भी बढ़ेंगे। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से बात की, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे देवेश कुमार को मौके पर भेजा, जिसके बाद करमन गांव के स्कूल के बाहर उदयभान के बेटे भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ छात्रों की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ये सरकार जो गरीब बच्चे है, जो कृषि पृष्ठभूमि से है, किसान है, मजदूर है, दलित है, वंचित है, उस समाज के बच्चों को इस शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना चाहते हैं। आज इतनी शर्म की बात है, करमन यहाँ पे स्कूल में, हाई स्कूल में यहाँ पे मात्र एक टीचर है, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। और आप पूरे ब्लॉक के अंदर, होटल ब्लॉक में, हसनपुर ब्लॉक में, आप कहीं भी चले जाओ, हाई स्कूल में कहीं पर भी पर्याप्त टीचर नहीं है, या तो बिल्कुल ही टीचर नहीं है, अगर है तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है कहीं टीचर भी ऐसे। तो ये जो है एक मैं कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी, पूरे नारे लगाया करते थे कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो बच्चों को शिक्षा से वंचित करके, उनका शिक्षा का अधिकार छीन कर, स्कूलों को जो सरकारी स्कूल का तंत्र है उसको नष्ट करके, ये किस प्रकार भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? इन हालात में देवेश कुमार ने भाजपा सरकार से सवाल किया है कि अगर सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं रहेंगे और बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? बहरहाल करमन गांव ही नहीं, प्रदेश के कई गांवों में मौजूद कई स्कूलों में टीचरों की भारी कमी होने लगी है और अभी सरकारी भर्ती दूर है। ऐसे में सरकार छात्रों की पढ़ाई बर्बाद ना हो इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। होडल से हरि ओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।